Welcome friends, chapter number 9, International Trade. Let's start. The first topic is Determinants of Trade. Well, हम एक imaginary example लेंगे यहाँ. Consider the market for steel which is made in many countries around the world and there is much world trade in steel. तो बहुत सारे देशों में steel बनता है और उनका आपस में trade भी करते हैं countries. Policy makers often use trade restrictions to protect domestic steel producers from foreign competitors. China is one of them. Suppose we have an imaginary country of Stilo. तो हमने एक imaginary country बनाई जिसका नाम है Stilo. So at the start we assume that there is no export or import of steel. Mind it, we are talking about that country Stilo. तो वहाँ पर कोई world international trade नहीं हो रहा, कोई world के साथ उनका trade नहीं हो रहा है. तो ऐसे में domestic demand, domestic supply steel की equilibrium price और equilibrium quantity decide करेगी बच्चों. तो वर्ल्ड प्राइस एंड कंपेरेटिव एडवांटेज, ये बहुत ही ध्यान से करना है मेरे बच्चों. ये जो कॉन्सेप्ट है ना कंपेरेटिव एडवांटेज, ये मैं आपको सेम 5 के वीडियोस में आप मेरे देख सकते हो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में. यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक ही बताऊंगा इसका, क्योंकि जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ तलवार नहीं चलाई जा सकती. सो वर्ल्ड प्राइस एंड कंपेरेटिव एडवांटेज, वेल इफ द ट्रेड इज अलाउड देन स्टीलो हैज टू डिसाइड वेदर टू बी एन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ स्टील. तो अब अगर वर्ल्ड ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड डिसाइड यू नो शुरू होता है तो आपको एज अ कंट्री स्टीलो डिसाइड करना पड़ेगा वेदर यू वॉन्ट टू बी एन इंपोर्टर और एन एक्सपोर्टर ऑफ स्टील. फॉर दिस वी कंपेयर द प्राइस ऑफ स्टील इन स्टीलो एंड प्राइस ऑफ स्टील इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम वर्ल्ड प्राइस कहेंगे. इफ द वर्ल्ड प्राइस इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक प्राइस देन कंट्री स्टीलो विल एक्सपोर्ट स्टील टू गेट द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस. क्यों, अगर आपके यहाँ पे सपोज 8 रुपये का है स्टील, बाहर 10 रुपीज का है, तो डोंट यू थिंक इट मेक सेंस फॉर यू टू बिकम एक्सपोर्टर, क्योंकि बाहर बेचने में आपको फायदा है, आपको अपने देश में 8 रुपये मिलते हैं, बाहर 10 रुपीज मिलेंगे. इन दैट केस यू शुड बी एन एक्सपोर्टर. Conversely, if world price is less than domestic price, then steelo would import. Makes sense. So, in short, comparing the world price and domestic price before trade indicates whether steelo has a comparative advantage in producing steel or not. तो वैसे बहुत तरीके होते हैं comparative advantage सीखने के, लेकिन यहाँ पर हम price के हिसाब से देखेंगे. So, the domestic price reflects the opportunity cost of steel. It tells us how much country steelo must give up to get one unit of steel. If the domestic price is low, the cost of producing steel in steelo that country is also low, suggesting that it has a competitive advantage in producing steel relative to the rest of the world and vice versa. तो हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि अगर आपके यहाँ price कम है world price से तो फिर आपके यहाँ सस्ता पड़ता है, right? अगर सस्ता पड़ता है तो आपकी यहाँ पर जो competitive advantage है in producing steel वो ज़्यादा है, and in that sense you should be the one who should be producing a lot of steel and obviously selling to the rest of the world. So, जिसमें भी आपकी comparative advantage होगी बेटा, that particular thing you must sell. The gains and losses of an exporting country. तो अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या वाकई में you know एक export करना क्या फायदा करेगा country को. Let's see that. So, बच्चे following figure shows the steelo steel market when the domestic equilibrium price before trade is below the world price. तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो उनका डोमेस्टिक प्राइस था वो 8 रुपीस था और वर्ल्ड प्राइस 10 रुपीस है, जो कि ऑब्वियसली 8 से ज़्यादा है. सो वंस फ्री ट्रेड इज अलाउड द डोमेस्टिक प्राइस राइजेस टू इक्वल वर्ल्ड प्राइस, नो सेलर ऑफ स्टील वुड एक्सेप्ट लेस देन द वर्ल्ड प्राइस एंड नो बायर वुड पे मोर देन द वर्ल्ड प्राइस. तो अब अगर ट्रेड ओपन हो गया तो 10 रुपये हो जाएगा प्राइस. तो मुझे बच्चे आपको अब इसको ये सिखाना है कि आपको इससे फायदा हो रहा है या नुकसान. मेरे बच्चों इसको हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के कॉन्सेप्ट से भी सीख सकते हैं, इनफैक्ट वही बेस्ट वे रहेगा. तो हमने आपको लास्ट चैप्टर 7 में बताया था क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस, क्या होता है प्रोड्यूसर सरप्लस, दैट शुड कम हैंडी हियर. मेरा बच्चा दिस इज द हाइट, दिस टेल्स अस द विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर एंड दिस इज द मार्केट प्राइस. अगर हम बात करें बिफोर ट्रेड की, सो हमारा कंज्यूमर सरप्लस वॉज ए प्लस बी, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड हुआ शुरू तो प्राइस ये हो गया है. तो डोंट यू थिंक विलिंगनेस इज स्टिल देयर बट प्राइस इज दिस मच, सो द कंज्यूमर सरप्लस बिकम्स ए. तो व्हाट इज द लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, अर्लियर इट वाज ए प्लस बी, नाउ इट इज ओनली ए, सो द लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू बी. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको उस चैप्टर में भी कराया था, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो डिमांड कर्व ऑफ अ प्राइस. प्रोड्यूसर सरप्लस, डोंट यू थिंक पहले ये प्राइस था और ये उसका मिनिमम सप्लाई प्राइस था, तो सी वॉज प्रोड्यूसर सरप्लस, लेकिन जब प्राइस बढ़ गया तो प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया सी प्लस बी प्लस डी. तो आपको नहीं लगता, अब अगर हम इसको नोटिस करें तो पहले आपका जो टोटल यू नो था प्रोड्यूसर सरप्लस वो दैट वॉज ओनली सी, और अब वो क्या बन गया बी डी सी. क्या मैं कह सकता हूँ प्रोड्यूसर सरप्लस का जो गेन है, प्रोड्यूसर का जो गेन है वो बी प्लस डी है. ठीक है, ये टोटल लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर का जो गेन हुआ वो हुआ
पहले सी था, अब सी प्लस बी प्लस डी, सी प्लस बी प्लस डी हो गया, तो हो गया बी प्लस डी, राइट। तो पहले टोटल कंज्यूमर सरप्लस क्या था मेरे बच्चों, टोटल सरप्लस आई शुड से ए प्लस बी प्लस सी। अब टोटल सरप्लस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डोंट यू थिंक पहले से डी ज्यादा, तो इसीलिए गेन हो रहा है ओवरऑल इन टोटल। सो टू मेजर द गेन्स एंड लॉसेज वी लुक एट द चेंजेस इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर ट्रेड इज अलाउड द प्राइस ऑफ स्टील एडजस्ट टू बैलेंस डोमेस्टिक सप्लाई एंड डोमेस्टिक डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस बिफोर ट्रेड वॉज ए प्लस बी, जो मैंने दिखाया अभी आपको। प्रोड्यूसर सरप्लस द एरिया बिटवीन द सप्लाई कर्व एंड द बिफोर ट्रेड प्राइस इज एरिया सी, तो टोटल सरप्लस वॉज ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी कंज्यूमर था, सी प्रोड्यूसर था, टोटल सरप्लस ए प्लस बी प्लस सी बिफोर वर्ल्ड ट्रेड। After trade is allowed, the domestic price rises to world price. Consumer surplus अब A हो गया और producer surplus B plus C plus D हो गया। अब देख सकते हो ये A हो गया और ये B plus C plus D हो गया। अब तो total surplus क्या हो गया सर, A plus B plus C plus D. So this is what it is. अब मैंने इसको एक table की form में दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको इससे समझ आ जाएगा I hope। पहले था A plus B consumer surplus, फिर हुआ A तो loss हुआ B का। Producer surplus पहले C था, फिर हो गया B plus C plus D, तो gain हो गया B plus D का। Total surplus पहले था A plus B plus C का, अब हो गया A plus B plus C plus D, तो टोटल गेन आ रहा है डी का। अब यहां पर अगर आप इंडिविजुअली देखो तो कंज्यूमर को वर्स ऑफ हो रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर को बहुत फायदा हो रहा है, और प्रोड्यूसर का फायदा इतना ज्यादा है कि वो कंज्यूमर के लॉस को भी ओवरकम कर रहा है। सो द एनालिसिस ऑफ एन एक्सपोर्टिंग कंट्री यील्ड्स टू कंक्लूजन, व्हेन अ कंट्री अलाउज ट्रेड एंड बिकम्स एक्सपोर्टर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड आर बेटर ऑफ एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आर वर्स ऑफ। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चों कंज्यूमर सरप्लस तो कम हो गया, ठीक है, और प्रोड्यूसर बेटर ऑफ हो गए क्योंकि उनका सरप्लस बढ़ गया। Now trade raises the economic well-being of a nation as a whole in the sense that the gains of winner exceed the losses of the loser. इसलिए आप देख रहे हैं total surplus actually में बड़ा है, पहले A plus B plus C था बेटा और अब हो गया A plus B plus C plus D। ठीक है, तो अब बच्चे को दिमाग में आता है ओके तो सिर्फ एक्सपोर्टिंग कंट्री को फायदा होता होगा ट्रेड करते हुए, ना बच्चे इंपोर्ट करने में भी फायदा है, आइए दिखाते हैं कैसे। तो अब हम जो बात करते हैं मेरा बेटा वो है राजे द गेन्स एंड लॉसेस ऑफ एन इम्पोर्टिंग कंट्री। So now suppose that the domestic price before trade is above the world price. Once again after free trade is allowed, the domestic price must equal the world price. We show that analysis in the following manner. तो आपके घर पे 10 रुपये प्राइस था और बाहर अब 8 रुपये है, तो डोंट यू थिंक अगर ट्रेड अलाउड होगा तो प्राइस तो गिर जाएगा, ठीक है। सो मेरे बच्चों बिफोर ट्रेड आपका कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि ये प्राइस था तो ए था, और प्रोड्यूसर सरप्लस था बी प्लस सी, लेकिन और टोटल भी बता देता हूँ, टोटल था ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन आफ्टर ट्रेड कंज्यूमर सरप्लस तो बढ़ गया क्योंकि प्राइस गिर गया ना, तो इट इज ए प्लस बी प्लस डी, लेकिन बच्चों प्रोड्यूसर सरप्लस घट गया, सिर्फ रह गया सी। अब टोटल सरप्लस क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो अगेन आप देखेंगे यहां पर भी आपका टोटल सरप्लस बढ़ गया है, जो कि पहले ए प्लस बी प्लस सी था वो हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मेरे बच्चों यहां पर एनालिसिस उल्टा है, यहां पे कंज्यूमर को फायदा है और प्रोड्यूसर को लॉस, लेकिन कंज्यूमर का फायदा इतना ज्यादा है कि वो प्रोड्यूसर के लॉस को भी ओवरकम कर दे रहा है। तो यहां लिख भी दिया हमने, आइए हम आपको दिखा देते हैं ये जो हमने लिखा है आपके लिए। सो लेट मी एडजस्ट दैट अ बिट, आई होप सो। या बिफोर ट्रेड कंज्यूमर सरप्लस वॉज ए, आफ्टर ट्रेड ए प्लस बी प्लस डी, चेंज हुआ बी प्लस डी यानी गेन हुआ। प्रोड्यूसर सरप्लस वॉज बी प्लस सी, आफ्टर ट्रेड सी रह गया, तो बेचारे प्रोड्यूसर को तो लॉस हो गया बी का। टोटल सरप्लस पहले था ए प्लस बी प्लस सी, अब हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो गेन हुआ डी का। सो दिस एनालिसिस ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्री यील्ड्स टू कंक्लूजन, व्हेन अ कंट्री अलाउज ट्रेड एंड बिकम्स एन इंपोर्टर ऑफ अ गुड, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आर बेटर ऑफ क्योंकि सरप्लस बढ़ रहा है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर आर वर्स ऑफ क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो रहा है। ट्रेड रेजेस द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ अ नेशन इन द सेंस दैट द गेन ऑफ विनर एक्सीड्स द लॉसेज ऑफ द लूजर्स, दैट इज टोटल सरप्लस स्टिल आपका बढ़ेगा। तो आपने अभी देखा मेरे बच्चा कि एक्सपोर्टिंग कंट्री और इंपोर्टिंग कंट्री को क्या फायदा मिलता है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई कंट्री टैरिफ लगा दे, इसको ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं आप, तो क्या होगा। सो अ टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, द इकोनॉमिस्ट क्विकली रियलाइज दैट अ टैरिफ ऑन स्टील विल हैव नो इफेक्ट इफ स्टील इज एन एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑब्वियसली आपका टैक्स ही इंपोर्टेड गुड्स पर है, तो आप इंपोर्ट करोगे तभी तो ये यू नो इट विल कम इन टू प्ले, अगर आप एक्सपोर्टिंग कंट्री हो तो उसका कोई यूज नहीं। सो द टैरिफ ओनली मैटर्स इफ द स्टील बिकम्स अ स्टील इंपोर्टर, फॉलोइंग फिगर शोज द स्टील मार्केट फॉर स्टील अंडर फ्री ट्रेड, डोमेस्टिक प्राइस इक्वल्स वर्ल्ड प्राइस, अ टैरिफ रेजेस द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड स्टील अबव द वर्ल्ड प्राइस बाय द अमाउंट ऑफ द टैरिफ। तो यानी सपोज बाहर 8 रुपीज का है, गवर्नमेंट ने 1 रुपए का टैरिफ लगा दिया, तो अब वो 9 रुपीज का होगा आपके यहाँ पर इंपोर्ट करते हुए अगर आप बाहर से मंगाते हो तो। सो डोमेस्टिक सप्लायर्स ऑफ स्टील हु कंपीट विद सप्लायर्स ऑफ इंपोर्टेड स्टील कैन नाउ सेल देयर स्टील फॉर द वर्ल्ड प्राइस प्लस द अमाउंट ऑफ टैरिफ। ऑब्वियसली
अब जो पहले 10 रुपये की चीज़ थी समोसा आपके घर और बाहर 8 रुपये की थी, तो उसकी वजह से आप इंपोर्ट करने लगे थे और आपके डोमेस्टिक जो सप्लायर थे उनको भी 8 रुपये बेचना पड़ता था। अब टैरिफ 1 रुपये का लग गया तो 9 रुपये का हो गया है गुड, तो अब आपका कंज्यूमर बाहर से मंगाएगा तो 9 रुपये का पड़ेगा, तो ऑब्वियसली अगर वो यहाँ से भी खरीदेगा डोमेस्टिकली तो यहाँ का सेलर भी 9 में ही बेचेगा। Thus the price of steel, both imported and domestic, rises by the amount of tariff and is therefore closer to the price that would prevail without trade. तो आइए बात करते हैं मेरे बच्चों। तो सबसे पहले ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस था, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ इट वॉज 10, ठीक है, और ये 8 रुपये प्राइस था वर्ल्ड प्राइस, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने 1 रुपये का टैरिफ लगाया तो टैरिफ के साथ प्राइस हो गया 9, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करते हैं। सो बिफोर ट्रेड, जब ट्रेड था ही नहीं तो आपका ये चल रहा था, आपका बिफोर ट्रेड ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, दैट इज माय डियर कंज्यूमर सरप्लस। इसको हम ये कह सकते हैं बिफोर टैरिफ जो ट्रेड था, ठीक है, बिफोर टैरिफ है ये इन दैट सेंस। तो ये था बेटा प्राइस विदाउट टैरिफ वर्ल्ड प्राइस। तो ए बी सी डी ई एफ अ ह्यूज कंज्यूमर सरप्लस। आफ्टर टैरिफ ट्रेड क्या बना, तो आफ्टर टैरिफ तो प्राइस ये बन गया 9, तो मेरे बच्चों ए प्लस बी, अरे बाप रे कितना लॉस हो गया कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर की बात कर लेते हैं, पहले विदाउट टैरिफ ट्रेड ए प्रोड्यूसर सरप्लस था, ये जी प्रोड्यूसर सरप्लस था, अब थोड़ा सा बढ़ गया है सी प्लस जी, तो इसको गेन हो गया सी का। और गवर्नमेंट वेल उनको पहले तो कुछ नहीं मिलता था, अब मिल रहा है ई के बराबर। बच्चा कहता है कैसे, मैं बताता हूँ मेरे बच्चों कैसे। अगर सिर्फ हम देखें कि आपका इक्विलिब्रियम प्राइस 10 था लेकिन वर्ल्ड ट्रेड के साथ 8 रुपये हो गया, तो हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स थे ना वो सप्लाई करते थे 1 और डिमांड होती थी 4, तो इतना सारा इंपोर्ट करना पड़ता था। अब जैसे ही टैरिफ लगा हमारे प्रोड्यूसर्स सप्लाई करने लगे 1 से बढ़कर 2, क्योंकि 8 से 9 रुपये मिलने लगे, और जो कंज्यूमर था वो गुस्से में बैठा मुंह फुला के, अरे यार क्या आप बात कर रहे हो, 8 के 9 रुपये ले रहे हो हमसे, तो उसने डिमांड कम कर दी 3। नाउ डोंट यू थिंक ये जो शॉर्टेज है, डोमेस्टिक इतना सप्लाई कर रहा है, डोमेस्टिक डिमांड इतनी है, तो ये इम्पोर्ट होगा और जितना इम्पोर्ट होगा उसी पर तो टैरिफ लगेगा काका, तो इसलिए ये ई जो है ये गवर्नमेंट का गेन हो गया। सो टोटल सरप्लस पहले कितना था सर जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, अब कितना है सर जी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी प्लस ई, ठीक है, तो भाई कितने का लॉस है सर, डी प्लस एफ, एंड दैट्स योर डेड वेट लॉस। कैसे अभी बताते हैं, पढ़े, द चेंज इन प्राइस अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ डोमेस्टिक बायर्स एंड सेलर्स, बिकॉज द टैरिफ रेजेस द प्राइस ऑफ स्टील, इट रिड्यूसेस डोमेस्टिक क्वांटिटी डिमांडेड एंड रेजेस द क्वांटिटी सप्लाई। Afterwards, we compare the gain and losses from the trade. Since tariff raises the domestic price, domestic sellers are better off and domestic buyers are worse off. In addition, government also earns. Then we compare consumer surplus, producer surplus and government revenue to see the change in total surplus, which actually falls and in and is the deadweight loss. So a tariff causes a deadweight loss because it's a tax area. D represents deadweight loss from overproduction of steel and area F represents the deadweight loss from underconsumption. Batata hu beta iska matlab. अब बच्चा सीधा मेरे को पकड़ता है, कहता है अच्छा लास्ट क्लास में तो बहुत चौधरी बन रहे थे लास्ट वीडियो में, मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं आपने कहा था डेडवेट लॉस वो लॉस होता है जो एक का लॉस हो दूसरे का गेन ना बने, इतने मुश्किल से हमारे भेजे में गया था, अब उसका यूज़ क्यों नहीं करते आप। बिल्कुल करेंगे सर, गुस्सा ना करें आप। तो आप बताइए कंज्यूमर सरप्लस कितना लॉस हुआ है सर, सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ओके, इसमें से सी तो गेन बन गया प्रोड्यूसर का, हाँ जी बन गया, ई तो गेन बन गया गवर्नमेंट का, हाँ जी बन गया, तो डी और एफ ऐसे लॉस है जो किसी के गेन नहीं बने, तो इसलिए डेड वेट लॉस। सॉरी सर आप ठीक कह रहे थे सर, कोई बात नहीं बेटे, क्लियर, दिस इज योर डेड वेट लॉस। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो टैरिफ में हमने देख लिया इट क्रिएट्स अ डेड वेट लॉस। सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड, तो कई इकोनॉमिस्ट ना चाहते नहीं है फ्री ट्रेड हो, तो हम उनके भी पॉइंट्स लेंगे और उनको काउंटर भी करेंगे। लेट्स सी जॉब्स आर्ग्यूमेंट, अपोनेंट्स ऑफ फ्री ट्रेड ऑफन आर्ग्यू दैट ट्रेड विद अदर कंट्रीज कैन अफेक्ट जॉब्स डोमेस्टिकली इन अ नेगेटिव वे। फॉर एग्जाम्पल इफ द फ्री ट्रेड कॉजेज द प्राइस ऑफ स्टील टू फॉल, रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ स्टील प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक कंट्री एंड दस रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट। वही बात है कि आपके देश में 10 रुपये का स्टील बिक रहा था, बाहर 8 रुपये का हो गया, तो टोटल अगर आप ट्रेड करना शुरू करोगे तो 8 ही करना पड़ेगा डोमेस्टिक सेलर्स को भी, तो ऐसे वो प्रोडक्शन कम करेंगे तो लेबर कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी।
So yes, free trade creates job at the same time, then it destroys them. When we buy steel from other countries, those countries obtain other resources to buy other goods from domestic country. Domestic workers would move from the steel industry to those industries in which their country has a comparative advantage. मेरे बच्चों बात को समझ लो. बात यह है कि ठीक है आपका स्टील वालों में काम कम हो जाएगा या स्टील में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, लेकिन डोंट यू थिंक दूसरे देश के पास लिमिटेड रिसोर्स है. अगर वो स्टील में रहने में लगा देंगे, आपने तो अपने रिसोर्स हटा लिए ना स्टील से, उन्होंने उसमें ऐड कर दिए, तो डोंट यू थिंक उनको बाकी चीज़ों की जरूरत होगी, वो आपसे खरीदेंगे. तो आपने जो रिसोर्स स्टील से हटा लिए हैं दूसरी जगह लगाइए, वहाँ पर जॉब क्रिएट कर लीजिए. तो बच्चा कहता है इसको थोड़ा और क्लियर करो, करता हूँ. Note that gains from trade are based on comparative advantage rather than absolute advantage. Even if one country is better than another country at producing everything, each country can still gain from trading with another. ये आपको सेम 5 मेरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 का वीडियो देखो, मैंने पूरा एक घंटे तक यही सिखाया हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको एक हल्के से एग्जाम्पल से सिखाता हूँ. इंडिया एंड USA. सपोज इंडिया 1 आवर के अंदर एक कार बना सकता है और USA 5 कार्स बना सकता है, ठीक है, या इंडिया 1 आवर में 2 बाइक्स बना सकता है और USA जो है 3 बाइक्स बना सकता है. दोनों में USA बेटर है? हाँ जी, लेकिन ज़्यादा बेटर किस में है? सर कार में. कार में बड़ी ज़्यादा एडवांटेज है उनको. तो स्टिल नो डाउट USA हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द गुड्स ओवर इंडिया, बट स्टिल वो दोनों गुड नहीं बनाएगा, वो कार बनाएंगे और आप बाइक बनाएंगे. दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू से. नेक्स्ट है जी नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट. चलिए, सो कहते हैं व्हेन एन इंडस्ट्री इज थ्रेटन्ड विद कंपटीशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, अपोनेंट्स ऑफ ट्रेड ऑफन आर्ग्यू दैट द इंडस्ट्री इज वाइटल फॉर नेशनल सिक्योरिटी. फॉर एग्जांपल, स्टीलो माइट से दैट स्टील इज यूज्ड टू मेक गन्स एंड टैंक्स. फ्री ट्रेड वुड अलाउ स्टील टू बिकम डिपेंडेंट स्टीलो टू बिकम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज टू सप्लाई स्टील. इफ अ वॉर लेटर ब्रोक आउट एंड द फॉरेन सप्लाई वॉज इंटरप्टेड, स्टीलो माइट बी अनेबल टू प्रोड्यूस स्टील. तो अब यहाँ पे ना वो इमोशनल कार्ड खेलती हैं कंपनीज, अरे आप स्टील पे हमारे को ट्रेड करवा रहे हो, अरे आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहे हो, कल को वॉर हो गई स्टील की जरूरत हुई तो कैसे करोगे आप. तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देखिए, वन शुड बी वेरी ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट व्हेन मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री रादर देन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट. कंपनीज ऑब्वियसली हैव एन इंसेंटिव टू एग्जैजरेट देयर रोल इन नेशनल डिफेंस टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. अ नेशन जनरल मे सी थिंग्स वेरी डिफरेंटली. इंडीड व्हेन द मिलिट्री इज अ कंज्यूमर ऑफ एन इंडस्ट्रियल आउटपुट, इट वुड बेनिफिट फ्रॉम इंपोर्ट. अब पीछे करा तो था बेनिफिट्स ऑफ इंपोर्टिंग कंट्रीज, कंज्यूमर का बेनिफिट बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि प्रोड्यूसर के लॉस को भी पूरा कर रहा था. तो कहता है चीपर स्टील आप लो, मिलिट्री एक्यूमुलेट करे अपना स्टॉक और वेपन्स का लोअर कॉस्ट. तो ये इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है. थर्ड है इन्फेंट इंडस्ट्री. न्यू इंडस्ट्री समटाइम्स आर्ग्यू फॉर टेम्प्रेरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन टू हेल्प देम गेट स्टार्टेड आफ्टर पीरियड ऑफ प्रोडक्शन. द आर्ग्यूमेंट गोज देर दीज इंडस्ट्रीज विल मैच्योर एंड बी एबल टू कम्पीट विद फॉरेन फर्म्स. सिमिलरली ओल्डर इंडस्ट्री समटाइम्स आर्ग्यू दैट दे नीड टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन टू हेल्प देम एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस. कभी कभी जो नई फर्म्स होती है ना वो कहते हैं हमें तो प्रोडक्शन चाहिए, हम कहाँ इन जॉइंट्स के साथ लड़ेंगे, तो हमें पीट देंगे. तो आइए इसका काउंटर. Economists are often, doubtful about such claims since it is difficult to implement, since the government would need to decide which industry will eventually be profitable and decide whether the benefits of an establishing these industries exceeds the cost of consumers of protection. जो consumer को cost जाती है उसकी. आपने देखा था ना अभी टैरिफ लगा था, प्रोडक्शन ही तो लगा था, डेड वेट लॉस कितना हुआ था और ज़्यादा लॉस किसको हुआ था, ज़्यादा क्या सारे लॉस किसको हुआ था, कंज्यूमर को. तो गवर्नमेंट बड़ी डाउटफुल रहती है कि कौन सी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करें, और पता लगा कि इनको हमने प्रोटेक्ट करा प्रोटेक्शन का, हमें पता है टैरिफ का अगर फॉर एग्जांपल देंगे डेड वेट लॉस होने, तो कंज्यूमर का लॉस क्या वो उससे कुछ जस्टिफाई भी हो पाएगा, ये बड़ा डाउट रहता है. और फिर कुछ लाइव एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पर. इन एडिशन फर्म्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज मैनी इंटरनेट फर्म्स टुडे इनकर टेम्परेरी लॉसेज इन द होप ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग प्रॉफिटेबल इन द फ्यूचर एंड मैनी ऑफ देम सक्सीड्स इवन विदाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन. आप इसको ऐसे देखो कि आप शुरू में हो सकता है लॉस खा लो, लेकिन जब कंपटीशन होगा आपको तैयार करेगा, आप बेटर क्वालिटी सीखोगे, आप सीखोगे कैसे काम किया जाता है अपने कंपटीटर्स को देखकर, एंड देन ऑब्वियसली आप उसको बेनिफिट को रीप करोगे. रादर देन खाली प्रोटेक्शन रहेगा तो दिक्कत रहेगी. इंडिया में 1991 से पहले प्रोटेक्शन था बहुत ज़्यादा, कैंपा कोला चलता था इंडिया पे, जैसे ही कोका कोला आया 3 महीने के अंदर खत्म कैंपा. तो ऐसे प्रोटेक्शन का क्या करोगे जो आपको इनएफिशिएंट बनाए. Unfair competition argument. A common argument is that free trade is desirable only if all countries play the same rule rather than using regulation for their own benefit. For example, suppose the government of foreign country subsidizes the steel industry by giving larger tax benefit. Thus, the domestic country might argue that it should be protected from that unfair practice. कि यार उनकी गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज करके फायदे दे रही है. नाउ वी हैव द प्रोड्यूसर्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री ऑब्वियसली हु विल डेफिनेटली सफर, बट कंज्यूमर्स ऑब्वियसली दे विल गेट द स्टील एट चीपर प्राइस एंड दस द गेन्स ऑफ कंज्यूमर्स शुड एक्सीड द लॉस ऑफ प्रोड्यूसर.
Foreign subsidy to its steel industry may be a bad policy, obviously it's not good, but it is the taxpayer of that country who bear the burden na. To unko jhelne do, wo apni government ko bole. Steelo can still benefit from the opportunity cost to buy steel at a subsidized price, kyunki consumer ka surplus to badhega. The protection is a bargaining chip argument. So many policymakers claim to support free trade, but at the same time argue that trade restriction can be useful when we bargain with our trading partners. They claim that the threat of a trade restriction can help remove the trade restriction already imposed by the foreign government. Suppose ek foreign government ne aapke upar ek wo laga rakha restriction, aapne usko dhamka diya ki bhai aisa hai, agar tune hataya nahi to main bhi restriction laga dunga. To ye dekhne mein acha lagta hai, lekin sir ab samne wala nahi mana, wo kahe laga de, fir kya hoga dekhiye. So the problem is that it may not work. If it does not work, the country has a difficult choice. It can carry out its threat and implement the trade restriction. Aur aapko pata hai jaise hi trade restriction lagta hai, like that of tariff, aapka apna hi welfare reduce ho jayega and you will be staring at dead weight loss. Chapter 9, well guys, over.